हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखने वाले हैं इनर प्रोडक्ट एंड ऑर्थोगोनलिटी के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनर प्रोडक्ट ऑन आर एन। इसकी डेफिनेशन है हमारे पास, लेट यू बराबर यू वन यू टू डॉट डॉट यू एन एंड वी बराबर वी वन वी टू डॉट डॉट वी एन बी वैक्टर इन आर एन, देन द इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी कैन बी डिफाइन एज यू डॉट वी बराबर यू वन वी वन प्लस यू टू वी टू डॉट डॉट यू एन वी एन। तो इस तरह से यहाँ पे इनर प्रोडक्ट डिफाइन किया जा सकता है। बेसिकली इनर प्रोडक्ट, अगर ये हमारे पास सेट ऑफ वेक्टर्स है, तो इसको हम किस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं कि ये यू वी बराबर यू ट्रांसपोज वी, यू ट्रांसपोज वी की फॉर्म में भी इसको डिनोट कर सकते हैं हम। अब यहाँ पे इसकी कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज जो कि इससे रिलेटेड है हमारे पास। एक सेकेंड फ्रेंड्स, ये हमारे पास इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है जिनमें लेट यू बी डब्ल्यू बी इन आर एन, ये आर एन में है उस केस में। एंड अल्फा बी है स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर देन उस केस में यू डॉट बी बराबर बी डॉट डब्ल्यू, यानी कि वो कम्यूटेटिव होगा। और यू प्लस बी डॉट डब्ल्यू बराबर यू डॉट डब्ल्यू बी डॉट डब्ल्यू, यानी कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। अल्फा यू बी बराबर अल्फा बार आ जाएगा यू डॉट बी, या इसको लिख सकते हैं यू बराबर यू डॉट अल्फा बी। एंड यू डॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड यू डॉट यू इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ यू इक्वल टू जीरो। यू डॉट यू जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, और यू डॉट यू अगर जीरो है तो इसका मतलब है कि वो यू जो है वो जीरो है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है, इसको हम सॉल्व करते हैं। लेट यू, ये हमारे पास यू बराबर माइनस टू, सो टू माइनस फाइव एंड माइनस वन है। एंड अगर वी बराबर देखें तो ये है हमारे पास थ्री टू एंड माइनस थ्री। देन हमें कंप्यूट करना है यू वी वी यू 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 एंड वी वी। तो यू डॉट वी अगर कंप्यूट करें तो टू का मल्टीप्लाई थ्री से प्लस माइनस फाइव का मल्टीप्लाई टू से माइनस वन का मल्टीप्लाई माइनस थ्री से, तो ये हो गया। अब जब हम वी डॉट यू कंप्यूट करेंगे तो हमारे पास थ्री का मल्टीप्लाई टू से, टू का मल्टीप्लाई माइनस फाइव से एंड माइनस थ्री का मल्टीप्लाई माइनस वन से, जो कि सेम आया है। और यू डॉट यू अगर कंप्लीट करेंगे तो टू का मल्टीप्लाई सिंपली टू से, टू का मल्टीप्लाई टू से माइनस फाइव का मल्टीप्लाई माइनस फाइव से, माइनस वन का मल्टीप्लाई माइनस वन माइनस वन से। इस तरह से वी डॉट वी कंप्यूट कर सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट डेफिनेशन आती है, द लेंथ और नॉर्म ऑफ अ वेक्टर यू बिलोंग्स टू आर एन। कोई भी वेक्टर है यू बिलोंग्स टू आर एन, उसकी जो लेंथ या नॉर्म की अगर हम बात करें तो वो बेसिकली मोड ऑफ यू, इस तरह से इसको नॉर्म यू कहते हैं, जो कि होते हैं हमारे पास रूट ऑफ यू डॉट यू। इसको हम ये भी लिख सकते हैं यू वन स्क्वायर प्लस यू टू स्क्वायर प्लस डॉट डॉट यू एन स्क्वायर। अ वेक्टर यू बिलोंग्स टू आर एन विद नॉर्म वन इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, यानी कोई भी वेक्टर जिसकी नॉर्म अगर वन है, नॉर्म वन है, वो यूनिट वेक्टर कहलाता है। लेट यू बिलोंग्स टू आर एन एंड एल्फा बी ए स्केलर, देन अगर ये हमारे पास इस तरह से है तो नॉर्म ऑफ एल्फा यू बराबर एल्फा बार आ जाता है नॉर्म ऑफ यू। तो इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, तो नॉर्म ऑफ एल्फा यू बराबर क्या होगा, रूट ऑफ एल्फा यू डॉट एल्फा यू, तो ये एल्फा स्क्वायर यू डॉट यू। तो ये रूट जो, ये जो हमारे पास मोड ऑफ एल्फा बार आ गया और यू डॉट यू, तो ये हो गया मोड ऑफ एल्फा डॉट नॉर्म। यहां से हम देख सकते हैं फ्रेंड्स, फॉर एनी नॉन जीरो वेक्टर यू बिलोंग्स टू आर एन कैन बी स्केल्ड टू ऑब्टेन अ न्यू यूनिट वेक्टर इन द सेम डायरेक्शन एज यू
and let's suppose that u is non zero, so that mod of u is not equal to zero, then the new vector जो होगा वो ये होगा basically ये इसी direction में u के direction में ही एक unit vector निकाला जा सकता है. हर vector के लिए, हर u के लिए एक unit vector इस तरह से निकाला जा सकता है. यहाँ पे example ले रहे हैं हम, let u बराबर ये है, compute norm of u and find the unit vector b in the same direction of u. तो ये हमें solve करना है. तो पहले norm of u निकालेंगे, तो norm of u dot u यानी कि 2 का square plus 3 का square plus 6 का square का root, तो ये हमारे पास 7 आ गया. अब unit vector जो निकालेंगे वो आएगा हमारे पास basically 1 upon जो ये हमारे पास norm है, यानी 1 upon u mod of u आता, जो कि 1 upon mod of u और u जो है ये हमारे पास, तो 2, 3, 6, तो ये आ गया 2 by 7, 3 by 7 और 6 by 7. इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, इसकी अगर हम नॉर्म निकालेंगे तो नॉर्म जो है वो 1 के इक्वल आएगी. इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है फ्रेंड्स हमारे पास, लेट यू एंड बी बी वेक्टर इन Rn, द डिस्टेंस बिटवीन यू एंड बी इन द लेंथ ऑफ द डायरेक्शन यू टू माइनस वी, यानी इन डायरेक्शन में वी विल डिनोट द डिस्टेंस बिटवीन यू एंड बी बाई डी यू बी. In other words, distance of u b बराबर norm of u minus b. Distance of u b denote की जाती है, वो की जाती है norm of u minus b से. जैसे example है, find the distance between u and b हमारे पास है, तो इनकी distance जो निकालते हैं, तो यहाँ से norm of u minus b, तो u minus पहले u minus b निकालेंगे, तो u minus b निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास minus 4 और ये हो जाएगा minus 2 minus 7, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस सेवन आ जाएगा, सेवन तो माइनस फोर और माइनस सेवन के नॉर्म निकालने, तो ये हो जाएगा हमारे पास 16 प्लस 49, तो ये रूट ऑफ 65, ये हो गया फ्रेंड्स. नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स हम ऑर्थोगोनलिटी के बारे में और ऑर्थोगोनलिटी के इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे. थैंक यू फ्रेंड्स.